हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 1। प्रिया कैफे में काम कर रही थी। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी कुछ लड़के वहां आए, उनका ऑर्डर प्रिया ने वहां रख दिया। तभी वो लड़के आपस में, भाई विवेक, इस लड़की से आई लव यू बुलवा दे तो माने। विवेक, अच्छा अभी देख। प्रिया कप उठाने आई तो विवेक ने कहा, देखो तुम मुझे आई लव यू बोलो अभी, मेरे दोस्तों से शर्त लगी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बोल दो एक बार। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, आई लव यू। तभी उसके दोस्त हूटिंग करने लगे, ताली बजाने लगे, फिर वो सब जाने लगे। प्रिया चुपचाप सुनी आंखों से उन्हें देखने लगी। फिर वो बोली, साहब। विवेक ने कहा, हाँ बोलो। वो साहब कुछ पैसे मिल जाते तो। विवेक बिना कुछ कहे 500 रुपये उसे दे देता है। ये पैसे देखकर प्रिया की आंखों की चमक बढ़ जाती है। वो झट से पैसे ले लेती है। आज वो बहुत खुश थी। वो मन में कहती है, थैंक्स भगवान जी, आज दुकान भी नहीं गई थी, कुछ था भी नहीं खाने को, पर आज 500 रुपये मिले हैं। पापा का भी बहुत दिनों से कढ़ी खाने का मन था, आज बनाऊंगी तो खुश हो जाएंगे। और आज पैदल चलकर नहीं जाती हूँ, पैसे भी हैं, ऑटो ले लेती हूँ। प्रिया कड़ी का सामान खरीद लेती है। वो रोज़ 1 घंटा देर से ही पहुँचती थी, क्योंकि किराए के इतने पैसे नहीं थे। वो आज जल्दी पहुँच जाती है तो उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटा आज तो जल्दी आ गई। हाँ पापा, वो आज ना। फिर उसे याद आया कि आज क्या करने की वजह से उसे पैसे मिले थे। वो कहती है, हाँ आज जल्दी हो गया। ये कहकर प्रिया रसोई में जाकर रोने लगी। तभी उसके पापा ने कहा, भगवान मुझे उठाता भी नहीं है, मेरे जैसे बाप को तो डूब के ही मर जाना चाहिए, जो अपनी बेटी को दुख के अलावा कुछ ना दे सका। काश तेरी माँ की जगह भगवान मुझे उठा लेता। प्रिया भी रोने लगती है, पर वो अपने आंसू पोंछती है और अपने पापा से कहती है, पापा आज आइसक्रीम खाएंगे, और आपकी शीशी खत्म हो गई है क्या? मैं इस हफ्ते ले आऊँगी, तनख्वाह आएगी इस हफ्ते। उसके बाद वो कड़ी बनाती है। आज दोनों बाप बेटी ने शायद कितने हफ्तों बाद अपनी पसंद का खाना खाया और आइसक्रीम भी खाई। वहीं दूसरी तरफ आद्विक अपने दोस्त और पार्टनर पार्थ के साथ क्लब में था। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसने बहुत छोटी ड्रेस पहन रखी थी आद्विक के पास आकर बोली, हाय हैंडसम। आद्विक ने बिना उसकी तरफ देखे बोला, अभी मेरा मन नहीं है, सो गेट आउट। उस लड़की ने कोल्ड सा एक्सप्रेशन दिया और चली गई। तभी उसके दोस्त पार्थ ने उसे कहा, क्या हुआ यार, थोड़ी मौज मस्ती कर लेता, कितनी हॉट थी। जैसे तुझे पता ही नहीं कितनी बड़ी टेंशन चल रही है। एक तो माँ पीछे पड़ी है, ऊपर से दादाजी का ड्रामा। इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जो आद्विक का दिल जीत सके। किसी की औकात नहीं है जिसके लिए ये दिल धड़के। ये बोलते हुए आद्विक के हाथ में पकड़ा ग्लास उसके हाथ में टूट जाता है। काम डाउन मैन, देखना कोई लड़की जरूर तुझे बदल देगी, समझा। इस दुनिया में हर कोई एक ही चीज के पीछे भागता है, वो है पैसा, और हर लड़की पैसे के पीछे भागती है। क्या होगा जब मिलेंगे ये दोनों? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।